लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने एक दिवसीय प्रवास के दौरान पहोरी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और 34 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। राठखेड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपका सेवक होने के नाते पहोरी विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इन विकास कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत क्षेत्र की जनता को इनसे और अधिक लाभ प्राप्त होगा। राज्य मंत्री राठखेड़ा ने पहोरी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1,75,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने पर किया लोकार्पण। ग्राम दुल्हरा में 3,00,000 रुपए की राशि से प्रवेश द्वार, 13,70,000 रुपए की लागत से नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का लोकार्पण। ग्राम पंचायत रसेरा की ग्राम झरिया खुर्द में 6,89,00,000 का पार्वती पुल का भूमि पूजन। खेरपुरा खोदा में 5,77,00,000 पार्वती नदी पर पुल। वैराट क्षेत्र में 25 ग्रामों की लगभग 18,01,00,000 की नल जल योजना का भूमि पूजन। वैराट नगर परिषद में 2,89,00,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन। नोनेटा कला में 1,75,00,000 रुपए की राशि से नल जल योजना का भूमि पूजन शामिल है। पहोरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य है कि हम क्षेत्र में विकास और प्रगति के तरफ कैसे हम आगे बढ़े हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो हम सब करने को तैयार थे। रोड़ों की बात करते तो आप नेट पर निकाल लो, नेट को देख लो निकाल के। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रोड़े गिरी है तुम्हारी पौरी विधानसभा में गिरी। गौशाला की बात कर लो, सबसे ज्यादा गौशाला मिली तो पौरी को मिली। आगामी के कार्यक्रम है, आज मैं अत्यंत खुशी हूँ, दिल से बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ कि आज मैंने अपनी बेटियों को एक अच्छी बिल्डिंग बना के 1.25 करोड़ की दी, जिससे हमारी बेटी कल से उस बिल्डिंग में बैठेंगी, पढ़ाई करेंगी और अपना भविष्य तय करेंगी और हमारा भविष्य भी तय करेंगी। इसी तरह आज मैंने कई गांवों में जाके नल जल योजना का भूमि पूजन करूंगा, कई जगह स्टॉप डैमों का भूमि पूजन करूंगा, जरिया में 6 करोड़ रुपये के पुल का भूमि पूजन करूंगा, सेवड़ा में 1 पुल का भूमि पूजन करूंगा। इसी तरह आज मेरे धर्मेंद्र के कार्यक्रम है और आज मेरा 32-33 करोड़ का भूमि पूजन करने का लक्ष्य है और हर रोज़ मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ और 10-20 करोड़ की भूमि पूजन करता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र पर शिव और ज्योति की कृपा है और जब शिव और ज्योति की कृपा तो विकास की कोई कमी इस क्षेत्र में कभी ना रहेगी और आगे भी हम दिन दूने रात चौगने विकास सब क्षेत्र करेंगे।